हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनेस कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओवरलैपिंग स्मॉल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के। बेसिकली टीपीएम की एक्टिविटी जब हम अपनी फैक्ट्री में इंप्लीमेंट करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स को क्रिएट करें हर सेक्शन में, हर डिपार्टमेंट में, हर एरिया में, ताकि टीपीएम की एक्टिविटी को टॉप लेवल से लेकर प्लांट के छोटे से छोटे एरिया में डेवलप किया जा सके। ये स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है टीपीएम को इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि टीपीएम के नाम में ही आ जाता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। मतलब टोटल टोटल से यहाँ मतलब है आपका कि कंपनी के अंदर हर किसी का इन्वॉल्वमेंट, हर एरिया में इम्प्लीमेंटेशन, हर प्रोसेस, हर सेक्शन में टीपीएम के बेनिफिट्स को अचीव करना। इसलिए हमें स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी को करना जरूर होता है, स्मॉल ग्रुप को क्रिएट करना जरूरी होता है। तो अगर स्मॉल ग्रुप की बात करें, स्मॉल ग्रुप होता क्या है तो देखा जाए, स्मॉल ग्रुप क्यों होता है, ताकि आप टीपीएम की एक्टिविटी को प्लांट में ओवरऑल हर जगह पे इंप्लीमेंट कर सको, स्प्रेड कर सको। और स्मॉल ग्रुप जो है केवल एक ऑपरेटर या इंजीनियर लेवल पे नहीं क्रिएट किया जाता है, यह हर लेवल पे क्रिएट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो एमडी हो, टॉप मैनेजमेंट हो, प्लांट हेड हो और नीचे आपका ऑपरेटर ही क्यों ना हो। तो अब सभी एरिया में स्मॉल ग्रुप की टीम को बनाया जाता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ स्मॉल ग्रुप बनाते हैं कैसे। तो मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आपके ग्रुप के मल्टीपल प्लांट्स हैं जहाँ पे मल्टीपल लोग काम करते हैं, पूरी कंपनी में 2 2 हजार, 5 हजार या मोर देन 500,000 लोग काम करते हैं। तो मान लीजिए कंपनी के एक प्रेसिडेंट है, ऑनर है या एमडी है और उनके 5 डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है। तो सबसे पहला जो ग्रुप बनेगा वो होगा कंपनी वाइड टीपीएम प्रमोशन कमेटी, मतलब जहां पे प्रेसिडेंट जो होंगे, जो ऑनर है या एमडी है, वो मेन वहां पे चेयरमैन होंगे और उनके पांचों प्लांट के जो प्लांट हेड है, फैक्ट्री मैनेजर हैं, वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे। बेसिकली इस कमेटी में उनको डिस्कस क्या करना होगा, इस कमेटी में कि अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में हमारे टीपीएम का इम्प्लीमेंटेशन कब करना है, कहाँ पे कब पिक ऑफ होगा, टाइमलाइन क्या होगी, रोड मैप क्या होगा, क्या रिसोर्सेज चाहिए, यहाँ पे ये सारी बड़ी बड़ी बातें होंगी। ओवरऑल गोल क्या रहेगा, ओवरऑल टारगेट क्या रहेगा, रोड मैप क्या रहेगा, फैक्ट्री का, ये सारे डिस्कशन यहाँ पे होते हैं। तो ये एक ओवरऑल लेवल पे, अपर लेवल पे टीम बनती है ना। अब बात करते हैं, इसके बाद हर प्लांट की अपनी एक टीम होगी जहाँ पे प्लांट हेड, अब यहाँ पे प्लांट हेड, एक प्लांट को मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। प्लांट हेड यहाँ पे हो गया चेयरमैन, एंड देन उनके जितने भी सेक्शंस है, मान लीजिए कंपनी है उसके अंदर मल्टीपल सेक्शन है, मशीन शॉप है, प्रेस शॉप है, प्लेटिंग शॉप है, उसके अलावा परचेज डिपार्टमेंट है, एचआर है, तो अलग अलग सेक्शंस हो गए। उन सभी के सेक्शन हेड और प्लांट हेड को मिला के ये प्लांट टीपीएम प्रमोशन कमेटी हो गई, जो ये डिस्कस करेगी कि इस प्लांट में टीपीएम को कैसे इंप्लीमेंट करना है, रिजल्ट्स को कैसे अचीव करना है, अपने गोल को कैसे अचीव करना है। तो ये आपके प्लांट लेवल की टीपीएम प्रमोशन कमेटी ना। उसके बाद चूंकि आपके यहाँ बहुत सारे सेक्शन है तो हर एक सेक्शन की अपनी एक छोटी कमेटी होगी, जिसको हम सेक्शन टीपीएम प्रमोशन कमेटी कह सकते हैं। अब मान लीजिए मशीन शॉप की बात करते हैं, मशीन शॉप में 30 40 मशीन है, 50 मशीन है, तो उन 50 मशीनों को जे एच स्टेप कैसे पास कराना है, पीएम का एक्टिविटी कैसे करनी है, क्यूएम के टारगेट कैसे करने हैं, के पिलर कैसे इंप्लीमेंट करना है, एजुकेशन ट्रेनिंग कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें डिस्कशन होंगी, जो कि सेक्शन मैनेजर वहां पे चेयरमैन हो जाएगा और उसके जो असिस्टेंट सेक्शन मैनेजर्स हैं, एएम लेवल पे, डीएम लेवल पे जो बंदे हैं, वो लोग मिलके आप लोग एक अपनी कमेटी बनाओगे जो केवल उस सेक्शन के प्रोग्रेस की बात करेगी। उसके बाद मान लीजिए हर सेक्शन असिस्टेंट सेक्शन मैनेजर के अंडर में भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टीम के लीडर्स हैं, एक उस सर्कल का लीडर है, दूसरा सर्कल का लीडर है, तीसरा सर्कल का लीडर है, चार सर्कल का लीडर है, इस तरीके से मान लो 5 6 7 8 आपके सर्कल लीडर है। तो हर सेक्शन मैनेजर का अपने लीडर के साथ एक कमेटी होगी, जो वो अपने मेंबर्स के साथ, लीडर के साथ बात करेगा, भाई आपके सर्कल में क्या प्रोग्रेस चल रहा है, आपके सर्कल में क्या प्रोग्रेस चल रहा है, हम मशीनों पे जे एच स्टेप 1 2 3 कब पास करने वाले हैं, 4 कब पास करने वाले हैं, उनको क्या सपोर्ट चाहिए, वो सेक्शन मैनेजर प्रोवाइड कराएंगे असिस्टेंट सेक्शन मैनेजर। तो इस तरीके से ये टीपीएम की प्रमोशन कमेटी बनेगी जो टीम लीडर्स की। और सबसे लास्ट जो मेन छोटा ग्रुप होता है, जिसको हम सर्कल ग्रुप्स बोलते हैं, स्मॉल ग्रुप सर्कल्स या सर्कल एक्टिविटी जहां पे हमारी की जाती है, टीम लीडर और उस एरिया के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी एक बनती है सर्कल टीम। तो बेसिकली जो ऑपरेटर मशीन की ऑनरशिप ले रहा है, जो मशीनों पर जेएच कर रहा है,
जनरली 6 से 8 लोग सफिशियंट होते हैं एक सर्कल में, तो 6 से 8 मशीनों के मिलाकर और उसके लीडर को मिला के एक सर्कल बनता है जो कि हमारा स्मॉल ग्रुप सर्कल। तो इस तरीके से आपको ओवरलैपिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता ऊपर से एमडी ने बोल दिया कि भाई टीपीएम चालू करना और आपने बिना किसी गाइडलाइन के, बिना किसी रोड मैप के, बिना किसी रिव्यू के टीपीएम चालू कर दिया। बस ऊपर एमडी है और नीचे ऑपरेटर, बीच में किसी को कोई मतलब नहीं। तो ऐसी एक्टिविटी में टीपीएम फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। हाँ, आपके कंपनी की जो हायरार्की है उसके हिसाब से कुछ ग्रुप्स यहाँ पे कम हो सकते हैं। सपोज आप क्या इतना बड़ा प्लांट नहीं है कि जहाँ प्लांट हेड के अंदर सेक्शन मैनेजर, उसके अंदर असिस्टेंट सेक्शन मैनेजर हो, तो ऐसा भी हो सकता है प्लांट हेड के अंदर सारे एचओडीज हैं और एचओडी के अंदर डायरेक्टली टीम लीडर आ जाते हैं, असिस्टेंट सेक्शन मैनेजर आपके यहाँ ना हो, तो ये हो सकता है। लेकिन आपने कहा कि नहीं सीधे प्लांट हेड के अंदर में लीडर होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग टीपीएम को इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये स्मॉल ग्रुप क्रिएट करने की एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। गुड डे, गुड बाय।